हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बच्चे अक्सर बहुत सारी बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए हो या मेंस के लिए, एडवांस के लिए दूसरी बुक्स एसचन पढ़ने लगेंगे, प्रदीप पढ़ने लगेंगे, ठीक है ना, एबीसी पढ़ने लगेंगे। बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, उसकी एक एक लाइन बहुत मायने रखती है। तो मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी एनसीईआरटी का। बच्चे अक्सर इसको स्किप कर देते हैं बट पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इंट्रोडक्शन है। आज हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा एक स्पार्क, कब, जब हम अपने सिंथेटिक क्लॉथ्स या फिर स्वेटर वगैरह जब हम उतारते हैं तो आपने देखा होगा उसमें हमारे जो हाथों पे जो बाल होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, है ना, और एक अजीब सी आवाज़ भी आती है उसमें जब हम अपना स्वेटर उतारते हैं, ठीक है। आप सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी और एक स्पार्क वगैरह ये सब देखा होगा उसमें, पर्टिकुलरली ड्राई वेदर में। ये ज़्यादातर लेडीज़ के गारमेंट्स में ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे कि क्योंकि उनकी साड़ी जो होती है वो पॉलिस्टर की होती है तो उसमें इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। क्या आपने इस फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश की है कभी? चलो एक और कॉमन एग्जाम्पल देते हैं। आपने लाइटिंग देखी होगी स्काई में, जब बारिश वगैरह होती है तो बिजली देखी होगी, है ना, और आपने शॉक, जैसे कि उस बिजली के मौसम में अगर आपने कोई लोहे की चीज़ पकड़ी है तो आपको कुछ टाइम के लिए जैसे शॉक जैसी चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। अगर आप किसी कार की सीट से उठे और आपने तुरंत ही एक आयरन रॉड को होल्ड किया उस सीट से उठने के बाद तो भी आपको ऐसा हल्का सा एकदम झटका लगा होगा। तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं इनका जो रीज़न होता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू। हमारी बॉडी चार्जेस प्रोड्यूस करती है, उसी की वजह से ये सारे फिनोमेना होते हैं। ये चार्जेस हमारी बॉडी पर आते क्यों हैं? ये तब आते हैं जब हमारी जब दो इंसुलेटिंग सर्फेसेस आपस में रब करते हैं तब ये चार्जेस जनरेट होते हैं। और हमारी बॉडी जब किसी और सर्फेस से जैसे चिपकी हुई है, जैसे हमारे स्वेटर वगैरह हमारी बॉडी से चिपके रहते हैं तो ये क्या हो गई, क्योंकि रब तो होंगे ना दोनों आपस में, तो है नहीं आप बिल्कुल फेविकॉल से चिपका लेते हो, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं होगा उनके बीच में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि चार्जेस उसके ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं। यही एक टॉपिक है इस ये चार्ज वाला जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। स्टैटिक मींस क्या होता है? स्टैटिक मींस होता है कोई भी चीज़ अगर वो मूव नहीं कर रही है या फिर उसकी पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं कर रही है, रुकी हुई है वो, तो वो हो जाता है स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम फोर्सेस की स्टडी करते हैं, फील्ड्स की स्टडी करते हैं, पोटेंशियल्स की स्टडी करते हैं, जो किन की वजह से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस की वजह से, रुके हुए चार्जेस की वजह से। हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि हमारे चार्जेस जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी स्टडीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाती है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। सबसे बेसिक डेफिनेशन तो यही है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हिस्टोरिकली जो ये जो क्रेडिट था इस फैक्ट का, ये एक फैक्ट था, अंबर। अंबर एक कुछ एक मटेरियल है, ठीक है। उसको हमने जब वुल और या सिल्क के क्लॉथ से जब रब किया तो वो क्या कर रहा था कि वो लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये जो थ्योरी थी ये इसका क्रेडिट जाता है थेल्स को, जो थेल्स जो कि मिलेटस में है ग्रीस कंट्री में 600 BC के अराउंड ये थ्योरी दी गई थी। ये जो नेम था इलेक्ट्रिसिटी ये भी एक ग्रीक वर्ड ही है क्योंकि इसका जो ओरिजिन था वही ग्रीस से हुआ था, और इस ये एक ग्रीक वर्ड था इलेक्ट्रॉन जिसी से मिलके जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बना, और इलेक्ट्रॉन का मतलब था अंबर क्योंकि उसी के रब करने से हमने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया था। ऐसे बहुत सारे पेयर्स हैं मटेरियल्स के जो रब करने पर लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ, पिट बॉल्स, बिट्स ऑफ पेपर, ये सारे ये क्या हैं, हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको रबिंग के थ्रू अट्रैक्ट किया जा सकता है। आपने बहुत सारी एक्टिविटी अपने घर पे भी करी होगी ऐसे इफेक्ट को देखने के लिए, जैसे कि हम लोग करते नहीं थे, स्केल लेते थे अपने सर में रब करते थे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को वो उस पर चिपक जाते थे स्केल से। ये सब क्या होता है, हम सब वो मज़े मज़े में करते थे बट उसके पीछे पूरी बहुत बड़ी फिजिक्स है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिए गए हैं दो दो बॉडीज़ के कि वो क्या करती हैं, आपस में अट्रैक्ट करती हैं रबिंग पे या रिपेल करती हैं। सबसे पहले था कि हमने एक, आप ये खुद से कर सकते हैं, एक लंबी सी स्ट्रिप लीजिए पेपर की और उसके ऊपर ना हल्के हल्के से आयरन कर दीजिए उस स्ट्रिप के ऊपर। अब उस स्ट्रिप को टीवी स्क्रीन या फिर किसी कंप्यूटर के मॉनिटर के पास जब ले जाएंगे तो वो स्ट्रिप जो है
वो उनकी स्क्रीन से अट्रैक्ट करेगी, और कुछ केसेस में वो वहाँ चिपकी भी रह जाएगी कुछ समय के लिए, तब तक उन पर से चार्जेस ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक वो उस पर चिपकी भी रहेगी। ये उसमें भी ऑब्जर्व किया गया, जब दो ग्लास रॉड थी आपस में जब रब करेंगे या वूल के साथ या किसी सिल्क के क्लॉथ के साथ, और उनको जब पास लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगी, सॉरी वो रिपेल करेंगी। जैसे कि ये है सिल्क का थ्रेड, इसमें ग्लास रॉड फंसी हुई है और यहाँ एक ग्लास रॉड है ना, ये क्या करेंगी रिपेल करेंगी। प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड आपस में क्या करेंगी रिपेल करेंगी, लेकिन ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड मतलब दो अलग अलग रॉड, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगी, है ना। तो जो ग्लास रॉड है और वुल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली दो प्लास्टिक रॉड्स हैं, अगर उनको बिल्ली के जो फर होते हैं ना उनके उसके बाल उस पर अगर हम रब करेंगे तो एक दूसरे को पता है रिपेल करेंगे दोनों प्लास्टिक रॉड। लेकिन अगर वही प्लास्टिक रॉड को उसी फर से अगर पास ले जाया जाए तो वो फर्स को अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब क्या हो रहा था वो कुछ चीज़ें आपस में रब करने पर किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही थी, किसी चीज़ से रिपल्शन शो कर रही थी। दूसरी तरफ जो प्लास्टिक रॉड थी वो ग्लास रॉड को अट्रैक्ट कर रही थी, और जो सिल्क और या वुल था जिससे जो ग्लास रॉड रब हुई थी उसको मतलब रिपेल कर रही थी, जो ग्लास रॉड था वो फर को रिपेल कर रहा था। मतलब ऐसे बहुत सारे फिनोमेना था, कोई किसी को रिपेल कर रहा था, कोई किसी को अट्रैक्ट कर रहा था। अगर एक प्लास्टिक रॉड को हम फर से रब करते हैं तो वो क्या कर रहा था कि जो दो पिट बॉल्स थी ना जो वहाँ लटकी हुई हैं, आज के ज़माने में हम पॉलिस्ट्रीन बॉल्स यूज़ करते हैं तो सिल्क या फिर नायलॉन के थ्रेड से लटकी हुई होती हैं, तो वो बॉल्स थी आपस में रिपेल कर रही थी, जैसे कि ये डी ई और एफ में दिखाया गया है, ठीक है। तो आपस में रिपेल कर रही थी, जो फिगर डी है वो रिपेल कर रहा है रॉड के थ्रू। ऐसे ही सिमिलर इफेक्ट किस में फार्म किया गया, पिट बॉल्स में, जो कि ग्लास रॉड और जब ग्लास रॉड और सिल्क को आपस में रब करके मतलब एक 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 जो बॉल थी उसको सिल्क से रब किया, एक को ग्लास रॉड से, और फिर उनको देखा गया तो वो क्या कर रही थी ऐसे ही सिमिलर इफेक्ट शो कर रही थी, मतलब रिपल्शन का। ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए अलग ग्लास रॉड पे, पिट बॉल्स पे, सिल्क पे, कैट्स फर पे, तो ऐसे ही बहुत सारे हमने ऑब्जर्वेशन देखी। ये बहुत ही सिंपल फैक्ट देखने में लगता है, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज़ लगती है ना, एक को रब कर रहे हैं और वो अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, बट इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है और किसी के बहुत ज़्यादा केयरफुली करे गए एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके एनालिसिस हैं, उनकी स्टडी है। ये आपको देखने में सिंपल लगती होगी, ये बहुत सालों की मेहनत है बहुत अलग अलग साइंटिस्ट की। तो फिर उन्होंने इतनी सारी स्टडी करने के बाद क्या निकाला कि दो ही फिनोमेना हो रहे थे, एक अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि यहाँ पे दो तरीके की एंटिटी हैं, जिसको मतलब किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। हम कह सकते हैं कि जो बॉडी, जैसे कि ग्लास हुआ, प्लास्टिक रॉड हुआ, सिल्क हुआ, फर हुआ, पिट बॉल्स हुए, वो सब इलेक्ट्रीफाइड हो रही हैं रब करने पर, तो सब इलेक्ट्रीफाइड, दैट मीन्स उन सब में चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब रबिंग पे चार्ज जनरेट होना है इलेक्ट्रीफाइड कहलाता है। पिट बॉल्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पे दो तरीके के इलेक्ट्रिफिकेशन थे, हमने क्या पाया, जो लाइक चार्जेस थे वो रिपेल कर रहे थे। लाइक चार्जेस मतलब लाइक मतलब सेम, लाइक लाइक है ना, सेम, अनलाइक मतलब जो दोनों सेम नहीं थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट से ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि जो चार्जेस होते हैं वो रॉड से पिट बॉल में ट्रांसफ़र हो रहे थे जब वो कॉन्टैक्ट मार रही थी, ठीक है। तो ये कहा गया कि जो पिट बॉल्स होती हैं वो इलेक्ट्रीफाइड होंगी और चार्ज होंगी बाई कॉन्टैक्ट, जब वो कॉन्टैक्ट में आएंगी। ये जो प्रॉपर्टी थी वो दो तरीके के चार्जेस को अलग कर रही थी, वो थी पोलैरिटी। किसकी पोलैरिटी क्या है, जिसकी पोलैरिटी जैसी होगी वो ही वो वैसा चार्ज होगा। मतलब जो चार्ज की प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ दोनों तरीके के चार्जेस को एक चीज़ थी जो अलग कर पा रही थी, वो थी उस चार्ज की पोलैरिटी। जब एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया तो रॉड थी उसको एक तरीके का चार्ज मिल गया और जो सिल्क था उसको दूसरे तरीके का चार्ज मिल गया, तभी तो वो दोनों अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि अनलाइक अट्रैक्ट्स। ये चीज़ ट्रू थी, किसी भी पेयर का ऑब्जेक्ट ले लो अगर उसको रब किया गया है तो वो उसके ऊपर चार्ज आएगा, वो इलेक्ट्रीफाइड होगा। ये चीज़ तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी दो चीज़ रब करेंगे उनके ऊपर चार्ज जनरेट होगा, लेकिन कौन सा चार्ज किस पर जनरेट होगा ये नहीं पता था। तो मतलब कोई चीज़ किसी के साथ अट्रैक्ट कर रही थी, कोई चीज़ किसी के साथ रिपेल कर रही थी, और ये कैसे पता चला था, जो दो लाइक चीज़ होंगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दो अनलाइक चीज़ होंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी।
तो जो चार्जेस था जो रबिंग के बाद था वो लॉस्ट हो जाएगा, कब, जब जो चार्ज बॉडी हैं वो आपस में कांटेक्ट में आएंगी। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट में आने के बाद क्यों लॉस हो जाएगा, क्योंकि जहाँ चार्जेस कम होंगे, जहाँ ज़्यादा होंगे, वहाँ से हायर टू लोअर चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब दोनों में बराबर होगा चार्ज ख़त्म, और रबिंग ख़त्म तो चार्ज भी ख़त्म। तो हम इन सारी ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करते हैं ना कि अनलाइक चार्जेस थे जो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मतलब ऑक्यूपाई करे गए थे, वो एक दूसरे को मतलब न्यूट्रलाइज कर रहे थे। कैसे? क्योंकि अट्रैक्ट जब होंगे, देखो कांटेक्ट में कब आएगा इंसान, जब अट्रैक्शन होगा। रिपल्शन में तो कांटेक्ट में आएगा नहीं, अट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों पे डिफरेंट चार्जेस होंगे। और डिफरेंट चार्जेस होंगे तो कुछ टाइम बाद वो छूट के हो जाएंगे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे चार्जेस का फ्लो होगा, क्योंकि एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा लो होगी। और कब तक होगी, और एक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तब तक होगा जब तक एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ना कर दे, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के ज़ीरो ना बना दे। तो चार्जेस थे इसलिए उनको क्या कंसिडर किया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसके थ्रू? एक अमेरिकन साइंटिस्ट जो कि थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने चार्जेस को अलग किया कि दो चार्जेस तो पहले से ही हो गए थे कि दो चार्जेस हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव नाम रखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। हम ये जानते हैं कि अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं ना, अगर प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस टू, प्लस हंड्रेड माइनस हंड्रेड, तो हमेशा इनका सम जो है वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये जो फिलॉसफी थी कि चार्जेस जो होते हैं वो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और कन्वेक्शन के थ्रू जो चार्जेस हैं ग्लास रॉड पे कैट्स के फर पे उसको पॉजिटिव कंसीडर किया गया, और जो प्लास्टिक रॉड और सिल्क के ऊपर जो चार्जेस होंगे उनको नेगेटिव कंसीडर किया गया। अगर एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करता है तो ये कहा जाएगा कि वो इलेक्ट्रीफाइड है या फिर वो चार्ज है। अगर किसी बॉडी के पास चार्ज नहीं है तो उसको बोला जाएगा कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू।